हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जेके एसएसबी के बारे में पूरा डिटेल्स में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। फिर यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊँगी। यहाँ पे लिखा है पूरा इसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है कि जेके एसएसबी का एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है जैसे कि व्हाट इज़ जेके एसएसबी, हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट कट ऑफ, सेलेक्शन प्रोसेस, सैलरी बेनिफिट्स एंड करियर ग्रोथ, यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रिलीज हो गया है और यहाँ पे एसआई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है व्हाट इज़ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी टॉपिक जैसे कि आप इसके अंदर क्या 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 है, इसको किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दी गई, जैसे फुल फॉर्म ऑफ जेके एसएसबी, फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम, मोड ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, लैंग्वेज, जॉब लोकेशन एंड सैलरी, सेलेक्शन प्रोसेस, और है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट। इन सब में से सभी ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरह से इसका कौन से लैंग्वेज से एग्ज़ाम होता है, यहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होता है और किस तरह से एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ डिटेल्स में दिया गया है। फिर यहाँ पे है नोटिफिकेशन, किसी भी चीज़ का अगर डेट निकलता है तो फिर आपको इस नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है यहाँ पर, फिर एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, फिर जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल, इन यहाँ पे हर एक चीज़ का डेट दिया जाता है। जब यहाँ पे अनाउंसड होगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा आईएएस पेपर के थ्रू। फिर वैकेंसी स्ट्रक्चर, हर एक पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे यहाँ पर दिया है डिवीज़न जम्मू का है 1545, यहाँ पर यूटी का है 463, डिवीज़न कश्मीर का है, डिस्ट्रिक्ट वाइज का है, फिर यहाँ पर टोटल दिया गया है। फिर यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट और वैकेंसीज दिया गया है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी थ्री टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स भी दिया गया है कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडिया के नहीं हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एज होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं जिस भी पोस्ट में और आप उतना पढ़े हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं, वरना आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, किस तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उन सब के बारे में स्टेप वाइज स्टार्ट दिया गया है यहाँ पर। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है लेके जाने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ है। फिर एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर, जैसे कि अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के हैं 350, एससी के हैं 350, सबके यहाँ पे हर एक कैटेगरीज का यहाँ पे 350 फीस है। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज बिफोर आएंगे, मतलब एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आएंगे आपका एडमिट कार्ड। किस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, क्या क्या आपको उसके अंदर फिल करना है, उन सबके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर बेसिक मैथमेटिक्स 20 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग का आएगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश का आएगा भी 20 मार्क्स का, फिर जनरल अवेयरनेस एंड साइंस का आएगा 40 मार्क्स का, मतलब आपका टोटल हुआ 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। फिर पोस्ट पैटर्न रहेगा यहाँ पर है, सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दिया गया, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, फिर रीजनिंग है, क्वांटिटिव है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक है, जनरल साइंस है,
अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सब टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। फिर आप प्रिपरेशन टिप्स, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है हर सब्जेक्ट्स के लिए, यहाँ पे उसको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपको किस तरह प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, बुक्स नेम है यहाँ पर, और कौन से ऑथर की बुक है उन सब के बारे में यहाँ दिया गया है। फिर रिज़ल्ट, रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम के कितने दिन बाद आएगा, कौन से वेबसाइट के थ्रू आपको देखना है, और उसमें क्या क्या फिल करना रहेगा। अगर आप रिज़ल्ट देख लिए हैं तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ दिया है, कट ऑफ करके मार्क्स कैसा रहता है, सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, डिफिकल्टी ऑफ पेपर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, कैटेगरी, एक्यूरेंस, फिर सेवरल गुड अटेम्प्ट्स। फिर यहाँ पे क्लास दिया है क्लास फोर्थ का, डिस्ट्रिक्ट है, और ओएम कैटेगरी के हैं सी, RBA, ST, EWS, ALC एंड PCB, सोशल कास्ट। फिर यहाँ पे और भी कैटेगरीज दी गई हैं, ये सब सेलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको मार्क्स अच्छा आए हैं इसमें JKSSB में तो फिर आप इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हैं। आपका अगर हर एक डॉक्यूमेंट्स भी राइट हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इसमें बेनिफिट्स क्या रहेगा और कितनी सैलरी रहेगी आपके, इस पर दिया गया यहाँ पे स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर में। फिर करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, फिर आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रमोशन। आपको इसमें कुछ टाइम बाद प्रमोशन भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं, ये सब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।